नमस्कार, मैं रीतिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। जिला चंबा में सीटू नौजवान सभा SFI ने दिल्ली में धरने पर बैठी यौन शोषण की पीड़ित महिला खिलाड़ियों के समर्थन में आज चंबा में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। गौरतलब है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर लंबे समय से यौन पीड़ित महिला पहलवान, जिनमें एक नाबालिग शामिल है, बीजेपी सांसद व कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। महिला पहलवानों का आरोप है कि उक्त सांसद ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए इनके खिलाफ यौन शोषण किया है। पहलवान न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यौन हिंसा के आरोपी को पद से हटाया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से देश शर्मसार ना हो। आज हम जो दिल्ली में लंबे समय से महिला जो पहलवान हैं, जिनके साथ जो यौन हिंसा हुई है, और यौन हिंसा करने वाले जो कुश्ती महासंघ है उसके अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण, जो भाजपा के सांसद भी हैं, उनको गिरफ्तार करने की मांग और उनके साथ जो हिंसा हुई है यौन हिंसा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए देश के जो सम्मान है, देश के लिए जो स्वर्ण पदक लाए हैं, देश का नाम रोशन किया है, वो पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं और लंबे समय से बैठे हैं। मगर बड़े दुख की बात है ये कि जब तो वो देश के लिए मेडल लाते हैं, देश के लिए खेलते हैं, तो देश के लिए गौरव की बात होती, सम्मान की बात होती है, सरकार भी वाह वाह करती है। मगर जब उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और जब उसके खिलाफ सरकार के पास गए, और ये जनवरी की बात है, उस समय सरकार ने उन्होंने कहा कि कमेटी गठित करते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो उस समय में उन्होंने धरना उठा लिया। और अब कमेटी की क्या फाइंडिंग है, क्या रिपोर्ट है, उसका कोई पता नहीं है, कोई बताया नहीं है। जो आरोपी सांसद हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की बात थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस देश के अंदर महिलाओं के साथ ऐसा होता आया है, और आज जब हम ये देखते हैं कि जो देश को के लिए जिन्होंने देश के मान सम्मान दिया है, प्रतिष्ठा दी है देश को, आज उन महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, जिनके साथ देश के अंदर क्या क्या होता है, वो उसको कौन सुनेगा। देश के ये जो गौरव हैं, इनको आज जो है वो जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, और जब वो बैठ रहे हैं तो सरकार को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन आपने देखा किस तरह से धरने से पुलिस की जो कार्रवाई है, मारपीट उनके साथ की गई। और बड़े खेद की बात तो ये है कि ये सरकार जो है वो FIR तक नहीं कर रही है। पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद FIR होती है। और एक जो महिला पहलवान, जो खिलाड़ी हैं, जो अंडर एज हैं, तो पोक्सो एक्ट के तहत जो FIR हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि जब ये आरोप लगाया जाता है जो बालिग नहीं है उसके द्वारा, तो छानबीन तो बाद में होती है, पहले गिरफ्तारी होती है। मगर इस बात में हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ब्रिजभूषण शरण हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है। ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, इसने देश के लिए क्या किया है? जिन्होंने देश के लिए किया उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सीधा सीधा ये जो बीजेपी है, बीजेपी का आज पहली बार नहीं ऐसा हुआ है। बीजेपी के सांसदों ने, MLA ने, मंत्रियों ने, या इनके नेताओं ने महिलाओं के साथ या किसी भी तरह का जो जुल्म अत्याचार उन्होंने किया है, बीजेपी ने हमेशा इनको प्रोटेक्ट किया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज भी वही हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ये जाके चुनाव प्रचार में कहते कि हमें जो है गालियां दी गई, इतनी गालियां दी कि उन्होंने लिख के रखा है, गिन के रखी है। मगर यहाँ साथ में जंतर मंतर जो जो संसद भवन के साथ में है, PMO के साथ में है, वहाँ पे बैठी जो हमारी बहनें हैं, उनकी तरफ उनकी नजर नहीं गई है, जो कि इस देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारी सरकार उन महिला परिवारों पहलवान जो हैं उनकी बात को नहीं सुन रही है। ये गलत है सरासर। और आज हम जो C2 SFI नौजवान सभा, ये हम सब लोग आज एक ज्ञापन सरकार को हम भेजेंगे। और आज हम ये तो सिर्फ हम उनके समर्थन में कि आप लड़ें, हम देश आपके साथ है,
और अगर सरकार जो अभी भी कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में हम भी सड़कों पर पूरे देश के अंदर जो उतरेंगे और हम बिल्कुल उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई के साथ हैं। और जहां तक आने वाले समय में हमें लगेगा कि हमको उनके साथ में खड़े होना है, सड़कों को जाम करना है, जिस तरह का भी आंदोलन जो है हमारा होगा पूरे देश के अंदर जो समझ बनेगी।